जीवन आशा हॉस्पिटल एवं दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में 20 मई 2019 को किया गया। तभी से दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग देने के साथ साथ उन्हें उस काबिल भी बनाया जाता है जहां वह भी एक आम आदमी की तरह सर को गौरव के साथ उठाकर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सके। इसलिए प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में जीवन आशा हॉस्पिटल में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सक्षम के नाम से एक खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल तथा तरह तरह की रेस व नृत्य प्रतियोगिताओं में इन दिव्यांगों को शामिल कर इनका उत्साहवर्धन किया जाता है। जीवन आशा हॉस्पिटल में निशुल्क कृत्रिम अंग लगवाने के बाद कुछ दिव्यांग विश्व स्तरीय खेलों प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए आगे आए हैं, जिसमें हरिओम ने क्रिकेट में, धनाराम गोदारा ने तीरंदाजी में तथा सत्यम ने बैडमिंटन जैसे खेलों में भाग लेकर जीवन आशा का नाम गौरवान्वित किया है। आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के 28वें दीक्षा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के द्रोणगिरी क्षेत्र में 108 दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग लगाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया। इसी श्रृंखला में आगे जीवन आशा हॉस्पिटल में केवल दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग ही नहीं लगाए जाते, अपितु उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार समय समय पर जॉब फेयर के माध्यम से नौकरी भी दिलाई जाती है, जिससे वह आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। इस जॉब फेयर का आयोजन हॉस्पिटल प्रांगण में ही किया जाता है तथा अभी तक 70 से 75 लोगों को 20 से 50,000 तक की नौकरी इस फेयर के माध्यम से मिल गई है और आज वह भी समाज में सर उठाकर गौरव के साथ अपनी जिंदगी को प्रगति की राह में आगे बढ़ा रहे हैं।